Hello students, I hope you are doing well. Now today we are going to start our English grammar class and your English book name is Innovative Basic English Grammar. This is your English 2 book. Now we are going to start our first chapter, that is chapter number 1, Basic Sentence Structure. This is your chapter number 1. Sentence structure. Sentence जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, क्या क्या structure होता है sentence का, क्या parts होते हैं sentence में, हम इस chapter में हम उसको पढ़ेंगे. Now let's start our lesson. Parts of a sentence. Sentence में कौन कौन से parts होते हैं. First one is subject. The person or thing that does something. Subject वो होता है या वो person या वो चीज जो कुछ करती है. Means basically सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स कैट. तो यहाँ जो शी है ये आपका हाईलाइटेड वर्ड है, ये आपका सब्जेक्ट है. यहाँ पे शी वर्ड जो है इसके बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट इज वर्ब. अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. वो वर्ड जो एक्शन बताता है, एक्सप्रेस करता है किस चीज में वो एक्शन हो रहा है या क्या एक्शन हो रहा है हमारे सेंटेंस में, वो बेसिकली हमारा वर्ब बताते हैं. वर्ब का एक अदर वर्ड नाम भी होता है, उनको एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स कैट. यहाँ पे जो लाइक्स वर्ड है ये आपका एक्शन है, उसे कैट्स पसंद है. तो पसंद वर्ड जो है वो हमारा वर्ब है. थर्ड पार्ट इज ऑब्जेक्ट. अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ ऑफ वर्ब. वो पर्सन या वो चीज जो वर्ब का एक्शन रिसीव करती है. मीन्स यहाँ पे जो सेंटेंस में जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स कैट. उसे कैट्स पसंद है. उसे क्या पसंद है, कैट्स पसंद है. तो यहाँ पे कैट्स जो वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. तो ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंस के जिससे सेंटेंसेस को बनाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड ऑर्डर. अब जो वर्ड्स यूज होते हैं हमारे सेंटेंस में उनका क्या ऑर्डर होता है, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं या किस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑर्डर होता है सेंटेंस का. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स बुक्स. यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, रीड्स जो है वो वर्ब है और बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है. ही रीड्स बुक, वह बुक पढ़ता है. तो ही जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है. तो ही शब्द सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया. रीड्स मतलब पढ़ रहा है, एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब है. ऑब्जेक्ट बुक्स है, बुक्स क्योंकि वो क्या पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है तो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट, English sentences have 5 basic patterns. English के जो sentences होते हैं उसमें 5 basic patterns होते हैं. Patterns means जिस तरीके से sentences को बनाया जाता है या लिखा जाता है. First one is subject plus verb. पहले हमारा pattern है subject plus verb. For example, Rita reads. She is eating. Ram will leave. ये जो sentences में है, इन sentences में subject है और verb है. ये पहला पैटर्न है हमारा. यहाँ पे सब्जेक्ट को और उनके वर्ब को यूज किया गया है. मीन्स रीता रीड्स, रीता पढ़ती है. शी इज ईटिंग, वह खाती है. राम विल लीव, राम जाएगा. तो यहाँ पे ये जो नाम यूज हुए हैं वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, इनके बारे में बात हो रही है. और वर्ब क्या है कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं. सेकेंड पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे अभी आपने वहां पे एग्जाम्पल में पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज आई लाइक एक्स. मुझे एक्स पसंद है. तो यहाँ पे मुझे मेरे बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई. वर्ब लाइक हुआ, पसंद है. और ऑब्जेक्ट एक्स हुआ, क्या पसंद है, एक्स पसंद है. तो एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस शी सीज हर सिस्टर. उसने अपनी सिस्टर को देखा. तो किसने देखा, शी. तो शी सब्जेक्ट है. क्या किया उसने, देखा था, एक्शन हुआ. तो सीज जो है वो हमारा वर्ब हो गया. ऑब्जेक्ट उसने किसको देखा था, अपनी सिस्टर को देखा. तो हर सिस्टर उसकी ऑब्जेक्ट हो गया. थर्ड ही इज रीडिंग अ बुक. वह एक बुक पढ़ रहा है. तो कौन पढ़ रहा है, ही इज सब्जेक्ट. वर्ब
इज रीडिंग पढ़ रहा है, एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट अ बुक एक किताब, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें एक किताब। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। थर्ड हमारा जो सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। थर्ड पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। फर्स्ट वन इज मोना इज बिजी। मोना बिजी है, व्यस्त है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें मोना। वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ यूज किए गए हैं इज। एडजेक्टिव क्या है बिजी, बिजी मीन्स व्यस्त है, तो मोना क्या है बिजी है, तो इसकी विशेषता क्या है यहाँ पे बिजी। सेकेंड ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, इज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, स्मार्ट मीन्स होशियार है, तो स्मार्ट हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, उसकी विशेषता क्या है कि वो स्मार्ट है। थर्ड द फ्लावर्स आर रेड, फ्लावर्स लाल है, तो फ्लावर्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड एडजेक्टिव इज रेड, वो कैसे है फ्लावर्स रेड कलर में है। नाउ फोर्थ पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब आर दोज वर्ड्स विच मॉडिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब को और मॉडिफाई करते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब। फर्स्ट वन इज मेघा इज हियर, मेघा यहाँ है, तो मेघा कहाँ है यहाँ है, तो हियर जो है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सेकेंड अजीत रन्स स्लोली, अजीत धीरे दौड़ता है, तो अजीत दौड़ तो रहा है लेकिन वो कैसे दौड़ता है धीरे दौड़ता है, दौड़ता है तो हमारा जो एडवर्ब है वो यहाँ पे स्लोली है, जो स्लोली वर्ड है वो रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स हमारी जो एक्शन हो रहा है उसको और मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब के साथ यहाँ पे एडवर्ब यूज किया है। नाउ नेक्स्ट थर्ड सेंटेंसेस, पीपल आर एवरीवेयर, लोग हर जगह हैं, किसके बारे में बात हो रही है लोग के बारे में, तो लोग हमारा सब्जेक्ट हो गया, मीन्स पीपल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इज आर, एडवर्ब इज एवरीवेयर, हर जगह है। नाउ फिफ्थ पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ नाउन। फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, तो शी सब्जेक्ट है क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नाउन इज माई फ्रेंड मेरी दोस्त है, तो यहाँ पे एज अ पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे माई वर्ड माई फ्रेंड लिखा है। सेकेंड दे आर टीचर्स, वे टीचर्स हैं, दे इनके बारे में बात हो रही है, दे तो दे इज सब्जेक्ट, आर इज हेल्पिंग वर्ब एंड नाउन इज टीचर्स, लोग हैं, टीचर्स क्या है यहाँ पे नाउन है। थर्ड ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब एंड अ डॉक्टर इज नाउन। नाउ रिव्यू, अब हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने चैप्टर में पढ़ा कि वर्ड का ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा वर्ड ऑर्डर होता है इन सेंटेंसेस में, जिस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करते हैं। हमने फाइव बेसिक पैटर्न्स भी पढ़े अपने चैप्टर में, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, थर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब एंड फोर्थ वन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। हमने फिफ्थ पैटर्न भी पढ़ा था जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब था। तो ये आपका चैप्टर था, सो दिस इज विद दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ डू रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एट योर होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास, दैट इज योर इंग्लिश 2 एंड योर बुक नेम इज इनोवेटिव बेसिक इंग्लिश ग्रामर, दिस इज योर इंग्लिश 2 बुक। Now we are going to start our first chapter, that is chapter number 1, A Visit to the Land of Alphabet. This is your chapter name, A Visit to the Land of Alphabet. So let's start our chapter. There are 26 letters in the English alphabet. English alphabet mein total 26 letters hote hain. Here are the capital letters. Ye hamare capital letters hain. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी अप टू कैपिटल
जेड, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। नर्सरी से लेके यूकेजी तक आपने ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स को पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट, हियर आर द स्मॉल लेटर्स। ये स्मॉल लेटर्स है जिसको हम छोटे एबीसीडी भी बोलते हैं। स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, अप टू स्मॉल जेड, ये दीज आर योर स्मॉल लेटर्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? एन अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट यूज टू मेक वर्ड्स। अल्फाबेट एक सेट ऑफ लेटर्स होता है, लेटर्स मिला करके एक वर्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फाबेट। वेयर वी यूज कैपिटल लेटर्स। नाउ नेक्स्ट, हम कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, द कैपिटल, द फर्स्ट लेटर इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है हमारा, हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा इट है। इट का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा, ये देखें यहाँ पे ये कैपिटल में है, तो हमेशा हमारे जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्टार्टिंग होती है कैपिटल लेटर से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। सेकंड पॉइंट, वी यूज कैपिटल लेटर फॉर द वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में है कि हम वर्ड्स के लिए भी कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ, तो आई वर्ड जो है वो यहाँ पे कैपिटल से होगा। अजीत एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, अजीत और मैं फास्ट फ्रेंड्स हैं। अजीत का जो ए है वो कैपिटल लेटर में है। कोई भी नेम होता है हमेशा हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। एंड आई इज अ वर्ड, तो दिस इज ऑल्सो ए कैपिटल लेटर। नाउ थर्ड पॉइंट, वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। हम हमेशा कोई भी जगह का नाम जब लेते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में उनको लिखते हैं। यहाँ उनकी स्पेलिंग जब स्टार्ट होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड, देहरादून, दीज आर द नेम्स ऑफ योर प्लेसेस, सो वी आर स्टार्टिंग इट विथ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द नेम्स ऑफ पीपल। जो पीपल होते हैं, पीपल मीन्स किसी का नाम होता है, जैसे आप लोग का नाम होता है, आप लोग का नाम हम हमेशा जब भी लिखते हैं हमारा नाम, तो हम हमेशा स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया, अनिमेश, अमित, सिमरन, दीज आर द नेम्स ऑफ द पीपल, सो वी आर राइटिंग हियर विद कैपिटल लेटर। हम हमेशा अपना भी नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, डेज ऑफ द वीक। हम हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं फेस्टिवल्स के लिए। फेस्टिवल मीन्स हमारे जो त्योहार होते हैं, हॉलीडेज जो छुट्टियां होती हैं, डेज ऑफ द वीक हमारे जो वीक के डेज होते हैं या मंथ्स के डेज, सॉरी मंथ्स के नेम होते हैं, हम हमेशा उसको कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर, जो मंथ्स होते हैं ईयर के, न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस डे, जनवरी, मार्च, नवंबर, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये आपके इसमें हर फेस्टिवल्स भी हैं, हॉलीडेज भी हैं, वीक्स के नेम्स हैं एंड मंथ्स के नेम्स हैं। नाउ नेक्स्ट, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल्स। ए ई आई ओ यू, ये फाइव वॉवल्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। जैसे आपने अपने ऑलरेडी लास्ट ईयर यूकेजी क्लास में पढ़ा है कि वॉवल्स जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू फाइव वॉवल्स होते हैं, जिनके हमने साउंड वर्ड्स भी पढ़े थे फोनेटिक वर्ड्स में। द अदर लेटर्स बी सी डी एफ जी एच आर जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। बाकी के जो लेटर्स होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सारे हम उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। टोटल 26 लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं एंड रिमेनिंग 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। और रिमेनिंग जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट योर सेल्फ। नाउ दिस आर द एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट इन कैपिटल लेटर्स अगेंस्ट द स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स में लिए हुई है, अल्फाबेट्स आपके दिए हुए हैं, इनको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे यहाँ स्मॉल एफ है तो आपको यहाँ कैपिटल लिखना है, स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल जेड कैपिटल जेड।
So this you have to do it at your home, in your books. Now next page, turn to next page. That is B exercise, write in small letters against the capital letters. अब जैसे फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में हमें कैपिटल सॉरी स्मॉल लेटर्स दिए थे जिसको हमें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स दिए हैं जिसको आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है. जैसे कैपिटल जी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, सो ऑन. यू हैव टू डू इट इन योर बुक. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, अरेंज द लेटर्स इन दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं इनको आपको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो होता है जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करना है इन वर्ड्स को. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. फर्स्ट वाला हमारे लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर करके बताया है. बी ए टी ये वर्ड है, बी ए टी बैट. अब हमें इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले अल्फाबेट में हमारे क्या आता है? ए अल्फाबेट आता है. तो हम क्या लिखेंगे? A, then B and then T. Now next is M A T mat. तो first क्या आएगा? A, then M, then T. Third C O T cot. ये correct है. C O T means C पहले आता है, O बाद में, N T last में. तो ये एकदम सही, एकदम similar word है. Next C A R car. Car में first letter क्या आएगा? A, then C and then R. So on you have to do it. All these letters. Now turn next page. That's page number 10. In this you also have to do the same thing. इसमें भी आपको यही चीज करनी है. Capital letters हैं, इनको आपको arrange करना है alphabetical order में. Now next exercise is fill in the blanks with consonants to complete the words. इसमें आपको pictures दी हुई हैं. आपको यहाँ पे fill in the blanks fill करना है consonants से. कॉन्सोनेंट्स जो आपको क्या होते हैं, जो 21 लेटर्स होते हैं ई ई आई ओ यू के अलावा, वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. इनको यहाँ पे आपको फिल करना है. तो इसमें आपके लिए बहुत इजी है. आपको पिक्चर्स देखनी है, पिक्चर्स देख के आपको यहाँ पे जो रिमेनिंग मीन्स जो मिसिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको लेटर्स हैं वो लिखना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ बैग. पहले जिसकी पिक्चर है बैग, तो बैग की स्पेलिंग सबको पता है क्या होती है? बी ए जी. तो ए इज ऑलरेडी गिवन, ए आपको दिया हुआ है. हमें क्या फिल करना है? बी एंड जी. नेक्स्ट इज शिप, एस एच आई पी शिप. थर्ड इज एग, ई डबल जी एग. बॉल, बी ए डबल एल बॉल. एंट, ए एन जी एंट. कप, सी यू पी कप. टेम्पल, टी ई एम पी एल टेम्पल. लास्ट वन इज गर्ल, जी आई आर एल गर्ल. सो विद दिस ये चैप्टर इज कंप्लीटेड. आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसकी पिक्स क्लिक करनी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इसको सेंड करना है. थैंक यू.